गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं आपको बताऊंगा मेरा इवनिंग स्नैक। अभी मेरी श्रेडिंग चल रही है और श्रेडिंग में मैं इवनिंग में क्या खाता हूँ वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। साथ में मैं उसको कुक करके दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है। और उसके बाद साथ में जो वेजीज मैं यूज़ करूँगा, तो अगर इस व्लॉग में थोड़ी सी मेरे को हेजिटेशन हो जाए व्हाइल व्लॉगिंग तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि मैं डेली व्लॉग नहीं करता। ये जस्ट कि हाँ भाई, मेरी नींद पूरी हो गई थी, मैं सो के उठा था, मुझे भूख लग रही थी एंड मेरे फ़ोन में थोड़ी सी स्टोरेज बची हुई थी 128 GB में से 4-5 GB बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉक कर लिया जाए, उस स्टोरेज को भी भर दिया जाए। उसको खाली रहने का कोई हक नहीं है और ना वो खाली रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। अभी मैं बना रहा हूँ फ़िश, मैं सुरमई फ़िश यूज़ करता हूँ, साथ में वेजीज में ब्रोकली यूज़ करता हूँ। वैसे तो लेटस यूज़ करना चाहिए बट लेटस मिलना थोड़ा मुश्किल रह जाता है, तो मैं ब्रोकली यूज़ कर लेता हूँ। आपको पहले बता दूँ कि फ़िश जब मैं कंज्यूम कर रहा होता हूँ तो मैं मिल्क की ज़्यादा कोई चीज़ कंज्यूम नहीं करता, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा वहम रहता है, मैं हद वहमी बनता हूँ इसलिए। तो चलो अब मैं चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे अपना मील बनाता हूँ। सही लग रहा हूँ? तो आई एम हैविंग सुरमई फ़िश बना रहा हूँ। मैंने जब श्रेडिंग सीजन स्टार्ट किया था तो मैं स्टार्टिंग में चिकन खाता था, उसके बाद चिकन से मेरा मन भर के दिन में मटन पे आ गया, मटन से मेरा मन भर के दिन में फ़िश पे आ गया। ये थी स्टोरी, तो मैं इसको बना रहा हूँ। स्पाइसेस में यूज़ करूँगा चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, पिंक सॉल्ट एंड काली मिर्च, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं अपनी फ़िश को साफ़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा उसको मैरिनेट कर लेता हूँ एंड देन मैं उसको पैन में रख दूँगा। और अभी मैं थोड़ा सा या तो सरसों का तेल ले लेता हूँ या ऑलिव ऑयल ले लेता हूँ। ऑलिव ऑयल में यूज़ करता हूँ फिगैरो का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, तो अभी मैं इसमें बना रहा हूँ। चलो सीधा मैरिनेशन के पार्ट पे स्किप करते हैं। सो अभी मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले रहा हूँ कि मुझे कितनी खानी है फिश। एक दिन की 1 kg मैं खाता हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्यों पता नहीं मैं क्यों खाता हूँ, मुझे भूख बहुत लगती है बट मैं खाता हूँ और मेरे गेंस चले गए। अगर आपको मेरे गेंस देखने हैं तो मैंने यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम मेंशन कर दिया, वहाँ पे जाके मेरे गेंस देख लेना, यू विल गेट टू नो। सी दिस अनदर वन, थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन। तो मैंने ये 4 pieces ले लिए हैं। मैं एक चीज़ बता दूँ, इसको अगर आपको कोई भी फिश खा रहा है, कोई भी मतलब फ़िश कंज्यूम कर रहा है, तो जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ फ़िश को थोड़ा सा साफ़ करने का, उसको ये कि उसको एक पतीले में थोड़ा सा नींबू थोड़ा सा सॉल्ट लगा के रख देना चाहिए 5-6 मिनट तक, जिससे कि जो इसकी जो ज़्यादा वेटनेस है, जो ज़्यादा वो गीलापन रहता है फिश का, वो निकल जाता है और थोड़ी सी ड्राइनेस रह जाती है, तो कुक करने में आसानी होती है। इसमें मैंने फिश डाल दी एंड अब नींबू ले रहा हूँ। इसमें डाल रहा हूँ मैं, जिम में भाई इतना वेट उठाता हूँ बट एक नींबू नहीं स्क्वीज हो पा रहा, शायद मेरे हाथ ज़्यादा गीले हैं। ये नींबू भी आजकल बल्किंग कर रहा है, विंटर्स आ गई ना, तो विंटर की ट्रेनिंग कर रहा है नींबू शायद। और अभी मैं यूज़ करता हूँ पिंक सॉल्ट, मेरी अपनी प्रेफरेंस है, मेरी अपनी चॉइस है, तुम वाइट भी यूज़ कर सकते हो बट मैं पिंक सॉल्ट ही यूज़ करता हूँ। एंड इसमें मैंने लेमन डाला फिश ली एंड अभी सॉल्ट लेके इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स करके अभी रख देंगे 5 मिनट के लिए। मेरी लड़की मेरा ये ब्लॉग देख रही है तो मैं उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ, क्योंकि बीइंग अ जिम रैट मेरे को ये फूल सबसे बेस्ट लगा था, क्योंकि अगर तुमने मना किया
तो मैं इसको पका के खा लूंगा, और अगर तुमने हाँ किया तो हमें साथ में खाएंगे बैठ के। तो ये मैंने इसको मैरिनेट कर लिया एंड देन ब्रोकली कट कर ली। गाइस अगर तुम घर पे फिश बना रहे हो और तुम्हें गालियाँ नहीं खानी फिश की स्मेल की वजह से, तो चिमनी ऑन कर देना, नहीं तो लिटरली भाई तुम्हारी मम्मी ही तुम्हारी माँ बहन कर देगी, क्योंकि उनको मोस्टली मम्मियों को फिश की स्मेल पसंद नहीं आती। मेरी मम्मी को तो बिल्कुल नहीं आती। ऑन कर दिया, मैंने यहाँ पे एक खाली पैन ले लिया है, इसमें मैं ओलिव ऑयल डाल रहा हूँ और साथ में थोड़ी ब्रोकली ले ली। ब्रोकली अगर ज़्यादा होती तो मैं उसको बॉईल करता, बट ब्रोकली कम पड़ी है और मेरे को आलस है, मैं बहुत आलस आ रहा है मेरे को, तो मेरा लाने का मन नहीं कर रहा। तो अभी हम ऐसे ही इसको पकाएंगे। This fish in pan. Nice English, never speak again. Then second piece. एंड फोर्थ पीस की जगह नहीं बची, मैं हमने उसको एडजस्ट कर लिया। लड़का हूँ एडजस्ट कर लेता हूँ, लड़कियों की तरह नहीं हूँ। तो मसाले में मैं डाल रहा हूँ ये सबसे पहले एक टाइम आपको दिखा दूँ। तो ये ऐसी है अभी, ठीक है। अभी इसमें ये मसाला डालूंगा और वो वाले सारे मसाले डालूंगा जो पड़े हुए हैं। ये मेरी रसोई साफ ही थी, इसमें जो खिलाना मचाया है वो मैंने नहीं मचा रखा है, हद खिलाना मैंने मचा रखा है, क्योंकि मैं बनाता रहता हूँ खाता रहता हूँ। जब तक ये रेडी नहीं हो जाती, जब तक इसको हमें कुक करते रहना है। अभी मैं सिर्फ अपना मील मैं इंजॉय करता हूँ दिलजीत के गानों के साथ, मुझे मज़ा आता है। अब इसकी बारी है, लेकिन मैं सारे मसाले नहीं डालता, थोड़ा टाइम लेने के डालता हूँ ताकि वो चीज़ कंज्यूम हो जाए उस फूड में अच्छे से। अभी मैंने नमक थोड़ा कम कर रखा है क्योंकि मेरा शूट आने वाला है। नमक कम करने के भी अपने फायदे हैं, नमक ज़्यादा करने के भी अपने फायदे हैं, हर चीज़ के अपने फायदे हैं। ये कुछ ऐसे हो गई है अभी, ये कलर इसका आ चुका है एंड देन मैं अभी इसको फ्लिप करूँगा एंड फ्लिप करने के बाद ये कुक हो जाएगी थोड़ी देर में। ओके, मेक श्योर जो पैन पे फिश है वो चिपकनी नहीं चाहिए। तो पंजाबी में कहते हैं करारी, करारी कर देना इसको पका पका के, लाइक ब्लैक लाइट ब्लैक एंड लाइट रेड कलर इसमें आना चाहिए, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज करारी। इसको ऐसे एक बार ना करके देख लेना पैन को हिला के, ताकि चिपके ना ये, बस ये आराम से अपना कुक हो रही है। तो ऑलमोस्ट फिश रेडी हो चुकी है, अभी मैं
जो फिश का जो मीट होता है वो मटन और चिकन से जो सॉफ्ट होता है वो जल्दी कुक हो जाता है। सी तो गाइस फिश रेडी हो चुकी है एंड मैं अपनी वेजीज प्रिपेयर कर लेता हूँ एंड मैं सीधा आपको मिलता हूँ मील के साथ बैठ के। ओके सो मेरा इवनिंग स्नैक रेडी हो चुका है, कुछ ऐसा दिखता है, दिख रहा है, मुझे पता है वेजीज कम है लेकिन मेरे लेने जाने का मन नहीं था और मैं अपने आलस आ रहा है यार, और मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ, नीचे तक उतरना एंड जाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी और इसलिए ये मील रेडी हो चुका है। ओके सारे के सारे स्पाइसेस तो मैंने डाल दिए, तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ अभी लेके बैठा नहीं हूँ, तो मैं इसको खाता हूँ और ऐसी ही वीडियोस आ जाएगी अगर मेरी नींद पूरी हुई और फ़ोन में स्टोरेज बची तो। सो दैट्स नाउ फॉर व्लॉग, इसको एंड करते हैं एंड मेरा ये मील था, रात को भी मैं यही खाऊँगा एंड सुबह भी मैं यही खाता हूँ, तो बस नॉर्मल सी लाइफ होती है यार। ओके बाय।